हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जो आप एक प्लांट लगाते हैं तो वो एक ही प्लांट आपको सैकड़ों नए प्लांट बना के देता है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट होते हैं जो एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट जो है बन जाते हैं। इस तरह के प्लांट मेरे गार्डन में भी बहुत सारे हैं, वही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। तो कौन कौन से प्लांट हैं? सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये अडेनियम। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्राफ्टेड अडेनियम है। इसमें डबल ट्रिपल पेटल के फूल आते हैं। तो अगर आपको जो है सीड से अडेनियम को ग्रो करना है तो आप पहले सबसे पहले तो अपने गार्डन में एक ऐसा अडेनियम का प्लांट ऐड करिए जो सिंगल पेटल वाला होता है और जिस पर बहुत सारे सीड बनते हैं। तो देखिए ये होते हैं अडेनियम के सीड जो मेरे गार्डन में ही से ही एक अडेनियम के प्लांट से निकले हैं। और ये देखिए मैंने इनको इस तरीके से कोई 20 या 25 दिन पहले लगाया था। तो देखिए अभी मेरे पास कम से कम भी 50-60 नए प्लांट उगाए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं हर साल जो प्लांट है वो उगाती हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको जो 2-3 साल पहले मैंने उगाए हुए हैं प्लांट। ये देखिए ये मेरे जो प्लांट है ये 3-3 साल पुराने हैं और ये देखिए ये 2-2 साल पुराने अडेनियम है मेरे। तो हर साल जो है मेरे जो पुराने अडेनियम हैं उन पर बहुत सारे सीड बनते हैं जिससे ये मैं इस तरीके से प्लांट फ्री में बहुत सारे उगाती हूँ। तो दूसरा प्लांट है, देखिए रेन लिली। तो रेन लिली का जो देखिए मेरा पीला वाला रेन लिली है, इसमें जब फूल खिलते हैं उसके बाद इसमें सीड भी बनते हैं। तो रेन लिली का जो प्लांट है सीड से और बल्ब दोनों से ग्रो हो जाता है। तो बल्ब जब आपके गमले में बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप उनको डिवाइड करके नए प्लांट बहुत सारे बना सकते हैं। और देखिए ये ब्लैक कलर के सीड होते हैं इसके। तो देखिए इस तरीके से इसमें नए प्लांट उगते हैं। तो रेन लिली जो प्लांट होता है सीड से और बल्ब से दोनों से ग्रो हो जाता है। तो बल्ब जब आपके गमले में पूरा बहुत सारे बल्ब हो जाएं उनको डिवाइड करके आप नए प्लांट बहुत सारे फ्री में बना सकते हैं। और जब आपके प्लांट में फूल खिलें उसके बाद जब सीड बने तो सीड कलेक्ट करके भी आप रेन लिली के नए प्लांट उगा सकते हैं। ये देखिए मैं अपने गमले में जो मेरे को सीड मिले हैं उनको मैं डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है इनको आप सीड से और बल्ब से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। तो एक प्लांट ही आपको बहुत सारे नए प्लांट बना के देगा। जब एक जो प्लांट है जो बल्ब है उसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 2 हो जाएंगे और सीड भी इसमें बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी जो होता है गर्मी की सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और जो मेन प्लांट होता है उसकी जड़ों से देखिए इस तरीके से नए नए जो प्लांट होते हैं बेबी प्लांट्स वो निकलते रहते हैं और जिससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्लांट तो वैसे सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है मगर जब हमें इसकी जड़ों से ही नए नए प्लांट मिल जाते हैं तो उनको आप डिवाइड करके देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये मेरा मेन प्लांट है जो मैंने 250 रुपये का खरीदा था। तो ये देखिए अभी इसने मुझे 4 नए प्लांट बना के, देखिए 2 इस गमले में है और 2 इस गमले में। तो देखिए इस तरीके से ये प्लांट जो है मल्टीप्लाई होते हैं। एक प्लांट हम लगाते हैं तो एक प्लांट ही हमें जो है एक साल में जो है बहुत सारे नए प्लांट जो है बना के देता है फ्री में। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये एग्लोनिमा। तो एग्लोनिमा की जड़ों से भी बहुत सारे नए प्लांट निकलते हैं। देखिए मेरे इस गमले में 3 प्लांट है तो मैं चाहूँ तो इन तीनों को अलग अलग करके जो है 3 गमले मेरे रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से एग्लोनिमा को भी आप डिवाइड करके नए प्लांट फ्री में बना सकते हैं। अगला प्लांट है, देखिए ये रियो का प्लांट। तो रियो का प्लांट देखिए मैंने इसमें अप्रैल एंड में जब मई में इसमें मैंने सिर्फ 2 या 3 प्लांट लगाए थे इस गमले में। तो अभी देखिए ये पूरा गमला भर चुका है 2-3 महीने में ही। और देखिए ये एक प्लांट जो है हमें सैकड़ों नए प्लांट बना के देता है रियो का प्लांट। ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। तो जिस भी गमले में हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाते हैं तो ये उसको पूरा भर लेता है। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये रियो की ही दूसरी टाइप है, ये वेरिएटेड है। तो देखिए इस बास्केट में मैंने जब लगाया था प्लांट तो भी मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, सिर्फ मैंने एक प्लांट सिंगल प्लांट लगाया था। तो देखिए अब इसमें बहुत सारी प्लांट हो गए हैं और मेरी जो बास्केट है वो भी भरने लगी है। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में लगाइए जो परमानेंट हमारे गार्डन में बने भी रहें और हमें नए नए फ्री में भी प्लांट बना के दें जिससे हम और भी गमले तैयार कर सकें। नेक्स्ट प्लांट है, ये भी परमानेंट है और गर्मी की सीजन में इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी होती है और इसकी जड़ों से ही इसके नए नए जो है प्लांट निकलते हैं जिनको डिवाइड करके हम और भी गमले तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो गमला आप देख रहे हैं ये मैंने अपने मेन प्लांट से ही अलग करके पिछले साल बनाया था, सिर्फ मैंने यहाँ एक प्लांट लगाया था। तो देखिए इस गमले में भी अभी कम से कम भी 15-20 नए प्लांट उगाए। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और एक ही प्लांट आपको फ्री में बहुत सारे नए प्लांट बना के देता है। तो नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये है जूफोर्बिया मिली। जूफोर्बिया मिली की ये वाली टाइप जो है ये छोटे फूल वाली रेड टाइप
टाइप है, ये रेड फूल खिलते हैं इसमें। और देखिए अभी जैसे अगस्त मंथ चल रहा है तो देखिए ये प्लांट पूरा फूलों से भरा हुआ है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। ये जो प्लांट है मैंने अपने मोहल्ले में ही किसी से दो तीन छोटी छोटी कटिंग लाई थी, उसी से ये ग्रो किया हुआ मेरा प्लांट है। तो ये जूफोरिया मिली जो है इन दिनों कटिंग से बहुत ही इजीली लग जाता है, आप इसके कटिंग से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसकी जड़ों से प्लांट नहीं निकलते हैं। देखिए इस तरीके की आपने कटिंग लेनी है, ये देखिए इस तरीके से कोई भी छोटी बड़ी कटिंग आप ले लीजिए, इन दिनों लगा दीजिए, 15-20 दिन में इसकी कटिंग से नया प्लांट बहुत ही ईजिली बन जाता है। ये देखिए ये मैंने पिछले साल कटिंग से बनाया हुआ ये मेरा प्लांट है। तो देखिए छोटे से प्लांट में कितने फूल हैं। और इसकी ये खास बात होती है कि ये प्लांट सारा साल फ्लावरिंग करता है और केयर इसकी कोई नहीं होती है। सिर्फ आपने इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसको 2-3 घंटे 4 घंटे की धूप में रखना होता है और पानी थोड़ा सा कम देना होता है। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, ये है लक्ष्मी कमल। ये एक ऐसा हार्डी सकलेंट है जो पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहता है। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि गर्मियों में इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है और सर्दियों में भी ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको गर्मियों में 1-1.5 घंटे की धूप या 1.5 घंटे की धूप मिल जाए और सर्दियों में 2-3 घंटे की 4 घंटे की धूप मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है और हर सीजन में हमारे गार्डन में बना रहता है। सिर्फ आपने वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई रखना है, हल्का सा मॉइस्चर इसकी मिट्टी में बना रहना चाहिए, फिर ये खराब नहीं होता है, पूरा साल चलता रहता है। लक्ष्मी कमल का प्लांट नर्सरी पर जी आपको छोटा सा प्लांट ही 100 रुपये का मिलता है। नेक्स्ट प्लांट है ये नर्सरी पर आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, मगर ये प्लांट जो होता है एक साल में ही आपको बहुत सारे नए प्लांट बना के देता है। देखिए मैंने इसको मार्च में रिपोर्ट करा था और इसकी जड़ों में जितने भी बेबी प्लांट्स थे उनको अलग करके देखिए ये लगाया हुआ है और इसकी जड़ों में 2-3 महीने में ही और बहुत सारे नए प्लांट आ गए हैं। तो ये है अगेब का प्लांट। तो अगेब में देखिए ये वेरीगेटेड टाइप वाला है और देखिए ये वाला जो है सिर्फ ग्रीन वाला है। तो दो टाइप आती हैं अगेब में, तो दोनों बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती हैं। नेक्स्ट प्लांट है बिंका। तो बिंका आप एक बार अपने गार्डन में लगा लीजिए, चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो। जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड को आपने इतना ही ध्यान रखना है कि इसको बारिश में नहीं रखना है, धूप में रखना है, जहाँ इसको 4-5 घंटे की जहाँ पूरे दिन की धूप मिले, और बारिश से इसको बचाना है, खुद इसको पानी देना है जब इसकी मिट्टी सूखे। तो फिर इस पर इतने ज़्यादा सीड बनते हैं कि आप जितने मर्जी चाहो इसके नए प्लांट जो है बना सकते हैं। और जहाँ आपने इसको लगाया होगा वहीं इसके गमले में जहाँ सीड गिरेंगे वहीं नए प्लांट उगाते हैं। तो इसको भी आप एक बार लगाइए तो सैकड़ों नए प्लांट आपको बना के देगा और 15-20 रुपये का ये मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है अल्ट्रा नेंथ्रा। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो नर्सरी पर आपको 20 से लेकर 30 रुपये तक ये मिल जाते हैं। इसको हेज प्लांट भी बोलते हैं और ये कटिंग से इन दिनों बहुत ही ईजिली लग जाते हैं। आप इसकी कोई भी कटिंग लेके कहीं भी लगा दीजिए तो 15-20 दिन में या हफ्ते में 10 दिन में इसकी जो है रूट्स बन जाती हैं। और ये देखिए ये वाला जो है इसके साथ ऑलरेडी ही छोटी छोटी रूट्स रहती हैं, तो आप इस समय आप इससे बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से ये परमानेंट प्लांट होते हैं जो मार्च से लेके दिसंबर तक इस तरीके से कलरफुल बने रहते हैं और सर्दियों में 2-3 महीने तो ये थोड़े से डोरमेंसी में रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए ये स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट एक बार आप अपने गार्डन में लगा लीजिए तो देखिए एक प्लांट जब थोड़ा सा मैच्योर होता है बड़ा होता है तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे ढेरों नए प्लांट बना के देते हैं। तो इन मेन प्लांट से आप अलग करके इनको दूसरे गमले में लगाइए। ये देखिए इस तरीके से सुंदर प्लांट आपको मिल जाते हैं, अपने एक प्लांट से ही ढेरों नए प्लांट ये बना के देते हैं। इसके जो भी बेबी प्लांट्स होगा उसके साथ जड़ें भी होती हैं, तो आपने सिर्फ मेन प्लांट से उसको कट करके मिट्टी में लगाइए चाहे पानी में लगाइए, आपको नया प्लांट जो है फ्री में मिल जाता है अपने मेन प्लांट से। नेक्स्ट प्लांट है देखिए कोक्सकोम। कोक्सकोम इसको आप अपने गार्डन में एक बार लगा लेंगे तो एक प्लांट ही आपको सैकड़ों नए प्लांट बना के देगा और जब इसका सीजन आता है इसको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट जहाँ भी आपने लगाया होगा इस पर बहुत सारे सीड बनते हैं, तो सीड जहाँ भी गिर जाएंगे जब इसका सीजन आता है मार्च अप्रैल में तो ये खुद ही उगना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से ये देखिए कलरफुल लीक के साथ हमारे गार्डन में बना रहता है सितंबर अक्टूबर तक, और अक्टूबर नवंबर में इसमें फूल आते हैं जो मार्च तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है पूरा साल हमारे गार्डन में जो अपने कलर ऐड करता है। ये देखिए इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे जो प्लांट इस तरीके से रिपोर्ट करके, तो ये प्लांट बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है, फिर इसकी जो है अक्टूबर नवंबर में सितंबर में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। प्लांट है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी जो प्लांट है ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है, इसके जो जैसे प्याज होते हैं छोटे छोटे
उस तरीके से इसके बल्ब होते हैं, तो उन्हीं से ये ग्रो होता है। मैंने भी देखिए इसके बल्ब अमेजोन से लिए थे, 100 रुपये के मुझे मिले थे कोई 8-10 बल्ब, तो अभी मेरे पास इसके बहुत सारे बल्ब हैं, कम से कम भी 100 से भी ज़्यादा बल्ब हैं जो मैंने एक गमले में ग्रो करे हैं। तो इसमें फूल भी आते हैं और ये जो प्लांट है इसके फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है, और बहुत ज़्यादा इसके जो बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जिनको डिवाइड करके आप नए गमले फ्री में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए फर्न की टाइप है ये, अस्पैरिगस फर्न। अस्पैरिगस फर्न है वो चाहे जो फॉक्सटेल फर्न हो, ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। इनके नीचे होते हैं ट्यूबर्स होते हैं और जैसे कैप्सूल होते हैं उस तरीके के, इसके छोटे छोटे वाइट कलर के ट्यूबर्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो उस तरीके से ये इनकी जो प्लांट की संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। तो आप इनको अगर डिवाइड करना चाहो तो अपने मेन प्लांट को अलग करके उसके जो रूट बॉल होता है उसको टुकड़े करके नए प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए ये बॉस्टन फर्न का प्लांट। तो बॉस्टन फर्न का जो प्लांट होता है बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा इसकी जड़ों से ही इसके नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में नए प्लांट निकलते हैं, जिनको डिवाइड करके आप नए प्लांट फ्री में बना सकते हैं, और एक ही प्लांट आपको बहुत सारे नए प्लांट बना के देता है। देखिए इस तरीके से ये बरसात के सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये देखिए ये फुटवॉल लिली का प्लांट है। फुटवॉल लिली का जो फ्लावरिंग सीजन तो हो गया है, मगर फ्लावरिंग सीजन के बाद देखिए इस तरीके से इसमें ग्रीन लीव्स निकलते हैं, और देखिए मेरे प्लांट के जो बल्ब हैं इस साल मल्टीप्लाई हुए हैं। पहले ये तो 2-3 साल ये 2 बल्ब थे, तो 2 के 2 ही रहे, और अभी देखिए इस साल इसमें छोटे छोटे 2 प्लांट और नए निकले हैं। इसका मतलब है मेरे प्लांट में जो ये बल्ब हैं ये मल्टीप्लाई हुए हैं। तो जो बल्ब वाले प्लांट आप इस समय लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हवर्थिया। हवर्थिया भी देखिए एक ऐसा प्लांट है कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। देखिए इस गमले में मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया था, तो उसकी जड़ों से ये देखिए कितने सारे नए प्लांट निकले हुए हैं। तो मैंने ये 40 रुपये का ख़रीदा था 4 साल पहले, तो अभी अभी मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं, तो मेरे से कोई मांगे तो मैं उसको देती भी हूँ। तो इस तरीके से इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं जो हर सीजन में बने भी रहते हैं और आपको नए प्लांट भी फ्री में बना के देते हैं। तो लास्ट में है सिंगोनियम, एक बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर प्लांट। एक प्लांट जब हम इसका एक लगाते हैं तो ये भी हमें बहुत सारे नए प्लांट फ्री में बना के देता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हमें नए प्लांट फ्री में बना के देते हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।